आज आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। केजरीवाल अब जेल से बाहर आ गए हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान 21 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी सुप्रीमो के बाहर आने से निश्चित रूप से पार्टी में नया जोश दिखाई देगा और पार्टी मजबूत होगी। अब सवाल है कि क्या केजरीवाल की रिहाई का चुनावी राजनीति पर असर पड़ेगा, खासकर भाजपा और कांग्रेस पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि टिकट बंटवारे से पहले ही हरियाणा में कांग्रेस को अलग अलग गुटों की लड़ाई से जूझना पड़ रहा है, जबकि कैंडर वाली पार्टी बीजेपी में इस बार खूब उठापटक हुई है। कांग्रेस चुनाव के पहले चाह रही थी कि देश भर में ये संदेश जाए कि उसका इंडिया अलायंस कामयाब है, साथ ही उसे आप का फायदा मिल सके। इसी लिहाज से कांग्रेस लगातार आप से गठबंधन करने की कोशिश करती रही। माना जा रहा है कि सीटों पर बात न बनने की वजह से अरविंद केजरीवाल ने ही गठबंधन न करने का फैसला लिया। यह फैसला उनके लिए अभी के वक्त में ठीक दिख रहा है। वहीं हरियाणा में कई तरह के मुद्दे इधर उधर से जाते दिखे हैं। राज्य में खिलाड़ियों की भावना का हर ओर सम्मान किया जाता है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में चले गए। ये रेलवे में नौकरी कर रहे थे, वहां से इस्तीफा देकर ये दोनों खिलाड़ी कांग्रेस में आ गए। इनमें से विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने जुलाना सीट से मैदान में उतारा है। इस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह की मुखालफत करने वाली विनेश अब बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं। बीजेपी ने कई पुराने नेताओं को टिकट नहीं दिया, इसमें सावित्री जिंदल भी शामिल है। बड़े उद्योग घराने से ताल्लुक रखने वाली सावित्री निर्दल चुनाव लड़ रही हैं और भी कई नेता पार्टी से टिकट न मिलने की वजह से खफा हैं। हालांकि कांग्रेस के सामने भी कम चुनौतियां नहीं हैं। टिकट देने तक पार्टी में तीन गुट साफ अलग दिखाई दे रहे हैं। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि तीनों गुट बहुत मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन के तहत राज्य की सभी सीटों पर लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने 13% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेजेपी की हिस्सेदारी 1% से भी नीचे गिरकर 0.87 हो गई है। अब ऐसे में जेल से निकलकर केजरीवाल अपने अभियान को धार देंगे। वो अपने और अपनी पार्टी पर किए गए जुर्म की कहानियां सुनाएंगे। अगर आपका प्रचार अभियान जोर पकड़ता है तो हरियाणा का चुनाव इस बार कुछ ज्यादा ही रोचक हो सकता है।